Hi everyone, good morning, namaste, welcome to my channel and welcome to my vlog. तो अभी 11 बज रहे हैं सुबह के एंड हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है. तो बहुत अच्छी धूप आई, अच्छी नहीं, थोड़ी थोड़ी सी धूप आई है. तो मैं छत पे बैठी हूँ धूप में. इट्स ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स मैं यहीं पे बैठी हूँ, क्योंकि सुबह ना मैं बैठती हूँ थोड़ा सा ना ऐसे रिलैक्स होता है मसल्स को सुबह आप धूप में बैठते हो तो, और अच्छा भी होता है, विटामिन डी भी मिलता है. तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ एंड अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. आज दिन भर क्या होने वाला है मुझे नहीं पता है, बिकॉज आज कोई ऐसा खास कुछ काम वाम नहीं है. तो आई एम नॉट एबल टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद कैमरा बिकॉज लाइट से थोड़ी सेंसिटिविटी है, तो नीचे ही देखना पड़ता है. तो अभी मैं नीचे जाती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद सब कुछ किचन में फैला पड़ा हुआ है. तो कुछ दिन पहले मैंने आलू लगाया था यहाँ पे, मैं आलू दिखाती हूँ. तो हमारा आलू इतना बड़ा बड़ा हो गया है, इसका प्लांट तो मैंने इंस्टाग्राम में डाला था गैस द प्लांट करके, तो लोगों ने पुदीना और क्या क्या बता रहे थे, बट ये आलू है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे. और ना यहाँ पे और एक पॉट में ना मिट्टी है, ये एकदम फर्टिलाइज वाला मिट्टी नहीं है, ये ऐसे ही सादी सूखी मिट्टी है जो बाहर से उठा के लाते हैं या फिर कहीं से लाए हैं. तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि धनिया लगा दूँ, धनिया. और मैं छत पे इसके ऊपर बैठी थी, लेकिन कल लियो ने इसको यहाँ पे, मैं बैठी और मैं निकल के नीचे चले गई, इसको ऊपर मैंने निकाला ही नहीं, यहीं पे था. तो लियो ने इसको पूरा काट दिया, काटते हुए भी मैंने क्लिप किया था, अगर मिलेगा तो डाल दूंगी. तो देखो इतना बदमाश है, सब काट दिया. तो फिर आऊँगी शाम को बैठने, तो इस पर ही बैठना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ. एंड देखो इसको अभी अभी ब्रेकफास्ट खा के बैठा है. और यहाँ पे और एक भाई साहब आए हैं, तो इनके लिए खाना तो नहीं है, मैं कुछ देखती हूँ, बिस्किट ब्रेड है तो चलो, ब्रेड भी एक ही है और थोड़े से बिस्किट दे रहे थे. ले लो भाई साहब तुम्हारा खाना. हाँ अबे नहीं खाना, ये देखो अभी खाने लग गए, तो अभी थोड़ी देर में ये खत्म कर देगा. तो आज का वेदर भी अच्छा है, आप लोग देख सकते हो आज धूप लगी है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप नहीं, थोड़ी सी धूप लगी है. और 2-3 दिन पहले मैंने ये तुलसी प्लांट लगाया था, जब मैंने लगाया था ना तब बहुत फ्रेश था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसा हो रहा है अभी डेड हो रहा है इसके लीव्स. तो अभी ये हाल है इसका. मैं ओल्डी के साथ बात कर ही रही थी, तो ये मेरा पार्सल आया है, जाके देखते हैं. तो मैंने अमेज़ोन से एक परफ्यूम ऑर्डर किया था, अभी वही आया है, तो इसको देखते हैं. और अरे ये तो गलत आ गया, मैंने कोई दूसरा वाला, मतलब इसी ब्रांड का किया था, लेकिन मैंने कोई दूसरा वाला फ्रेग्रेंस किया था और ये दूसरा वाला आ गया. और इसका जो बाहर से वो करने में ना, स्मेल करने में ना, इतना अच्छा भी नहीं लग रहा है फ्रेग्रेंस. देखते हैं इसको, रख लेती हूँ, अगर एक्सचेंज करना होता तो एक्सचेंज कर लेती हूँ, नहीं तो यूज़ कर लेती हूँ. तो अब लंच बनाने आ गई हूँ किचन में. तो यहाँ पे दाल बन रहा है, राइस बन रहा है कुकर पे, और ये फ्रिज से अभी अभी निकाला है लियो के चिकन का लेग्स, तो इसको भी कट करके बॉईल करना. तो फ्रेंड्स लंच बन रहा है, अभी दाल बन गया है, तो अभी मैंने राइस चढ़ा दिया है. तो जब तक राइस बनेगा तब तक मुझे एक वीडियो बनाना है, एक शॉर्ट वीडियो है, तो इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पे. और लाइट नहीं है तो मैं थोड़ा सा विंडोज और ये सब ओपन कर लूँ ताकि अच्छे से लाइट आए घर के अंदर. फाइनली मैंने वीडियो बना लिया. एंड जब भी ऐसा होता है, जब भी मैं वीडियो बनाने बैठी तभी आप लोग बाहर से आवाज़ सुन रहे होंगे, यहाँ पे नीचे ना आर्ग्यूमेंट हो रहा है दो लोगों का. तो यहाँ पे ना होता रहता है, किसी का आर्ग्यूमेंट होना, किसी का बच्चा रोना, किसी को चिल्लाना, ये सब चलता रहता है. तो मैंने वीडियो बना ली है, तो मैं ड्रेस चेंज करके किचन में चली जाती हूँ क्योंकि मेरा लंच बन रहा है. सो इट्स 2:30, मैंने लंच कर लिया है. तो सबसे पहले तो मैं ये जो उस पर पहना था ये निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे को ऐसे इयर रिंग्स डालते निकालते टाइम ना दर्द होता है थोड़ा थोड़ा. तो अभी मैं कमेंट्स पढ़ी थी, तो मैंने एक वीडियो डाला था बहुत टाइम पहले ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट्स के लिए डाइट के ऊपर. तो मैंने बोला था कि आप लोग अगर नॉन वेज है तो आप चिकन मटन बीफ खा सकते हैं. तो उसी पे आया है कमेंट कि चिकन मटन बीफ मत, लाइक थोड़ा सा नेगेटिव टाइप का कमेंट है, तो उसको इग्नोर करते हैं. तो अभी मैं यहाँ पे जो हेल्दियंस के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, तो उनके जो ऐप है ना वहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मिथ बस्टर्स है, विमेंस हेल्थ के ऊपर है, मेंस हेल्थ के ऊपर है. तो
तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो सिंस मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही ढूंढती रहती हूँ इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे पक्की इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड ऑल दैट। तो उसी के बारे में मैं यहाँ पे देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ऊपर बनाऊँ, क्योंकि मुझे न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको ट्यूबरक्यूलोसिस के ट्रीटमेंट लेने के बाद में न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आ गई, तो उसका वीडियो बनाना है और उसी के बारे में मैं थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे सर्च कर रही हूँ। तो अभी मैं ये काम कर लेती हूँ एंड उसके बाद मिलती हूँ। सो गाइज, जो मैंने ना ये प्लांट लगाया था ऐसे बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 20 डेज से ज़्यादा, एक महीने हो गया होगा, तो इसका ना कुछ आया नहीं है। मैं एवरी 3 to 4 डेज में पानी भी चेंज कर रही हूँ, लेकिन ना इसका ना कुछ हुआ नहीं है। आप देख सकते हो रूट नहीं आया है, पता नहीं क्यों। यहाँ पे इसका भी एक निकाल के देख लेती हूँ। पानी तो मैं रेगुलरली चेंज कर रही हूँ लेकिन अभी तक रूट आने का कोई नाम ही नहीं है, तो पता नहीं अब जितना टाइम तक ये फ्रेश रहेगा उतना टाइम तक मैं पानी चेंज करते करते रखूँगी। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। बट लास्ट टाइम जब मैंने ऐसे ही प्लांट ऐसे प्रोपगेट किया था ना, तो आया था स्नेक प्लांट का रूट, तो देखते हैं इस बार, एक महीने होने वाला है। फिर से अगेन एक पार्सल आ गया, अभी मैं रिसीव करके आया हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड का मोस्ट अवेटेड ये है, उन्होंने ऑर्डर किया था, तो अभी अनबॉक्स करें, जल्दी से करो ना अनबॉक्स, मुझे भी देखना है। तो ये साउंड कार्ड है बट मुझे इतना आइडिया नहीं है कि इसमें क्या होता है, तो ये म्यूजिक सिस्टम का कुछ है क्या? ये है आपका साउंड ट्रैक, जिसे हम आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उनको हम उन सबको हम सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। इज इट लाइक आर यू हैप्पी? आई एम क्वाइट हैप्पी राइट नाउ। तुम्हारा मोस्ट अवेटेड है ना, बहुत टाइम से बोल रहा था नया लेना। मेरा साउंड कार्ड जो था मैंने सेकेंड हैंड लिया था, मतलब एक दोस्त से, मतलब सेकेंड हैंड बोला था लिया था, मतलब ही सपोर्टेड मी विद द थिंग्स, बट उसका थोड़ा नॉज वर्ड थोड़ा अभी काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए द न्यू वन। तो देखिए, ओके, सो बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ये लेना है लेना है लेना है, तो फाइनली अभी आ गया अमेज़न से। कितना है इसका प्राइस? प्राइस अभी नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे? नहीं। तो ये ऐसा नॉज मेरा खराब हो गया था, तो इसको यूज करके दिखाओ ना, अभी यूज नहीं होता। एंड नाउ उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी हो गई है। बच्चों को जो चाहिए वो मिलता है तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, तो वो भी वैसे ही कर रहे हैं। और आते ही इन्होंने इसको कनेक्ट कर लिया है और कुछ कर रहे हैं, तो इनको जो करने देती हूँ और मैं भी अपने काम पे लग जाती हूँ। तो मैंने डॉन्जो से कुछ ऑर्डर किया था ग्रॉसरी के आइटम्स, तो अभी अभी आए हैं, तो मैंने बीन्स और ये सब किया है। और जो बनाना मैंने ऑर्डर किया था इसकी बहुत अच्छे से पैकिंग होके आई है, इसमें कोई भी डैमेज होने का चांस नहीं है, बहुत अच्छे से पैक होके आया है। तो अगर आप लोग भी डॉन्जो से कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रेफरल कोड है, अगर आप लोग वो कोड यूज़ करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ डॉन्जो कैश मिलेगा, जो आप शॉपिंग के टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप डॉन्जो से कुछ ऑर्डर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में रेफरल कोड है, वो ज़रूर यूज़ करिएगा। एंड मैं तो आजकल डॉन्जो से ही करती हूँ मोस्टली। तो अभी 5 बज गए हैं, अभी भी थोड़े थोड़ा धूप है, तो अभी डॉन्जो से सामान आया था, मैंने उसको अपने अपनी जगह पे रख दिया। एंड आप लियो को देख लो, लियो लियो लियो, इस ये किसको देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। तो अभी इसके पापा भी रेडी हो रहे हैं क्लास जाने के लिए, वो जाएंगे तो फिर ये कंटिन्यूसली यहीं से देखता रहेगा। बेटा सो रहा है क्या? ओ ये तो सो रहा है। तो अभी लियो के पापा जा रहे हैं इवनिंग क्लास के लिए एंड लियो और मैं इनको बाय बोलने आए हैं गेट तक। सो मेरे हस्बैंड भी क्लास के लिए चले गए और घर का जो भी काम था मैंने खत्म कर दिया है, अब कोई काम नहीं है, डिनर बनाना है बस। तो अभी मैं बैठूंगी थोड़ी देर, रिलैक्स करूंगी और फोन में कुछ देखूंगी। तो मैंने ये चॉकलेट लिया है, अमूल का फ्रूट एंड नट। तो जब से मैंने ये अमूल का चॉकलेट खाना स्टार्ट किया है ना, मैं डेयरी मिल्क को भूल गई हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं बैठती हूँ, थोड़ा सा फोन में कुछ देखती हूँ, मतलब टाइम पास करती हूँ, फिर मिलते हूँ।
6:30 एंड मैं छत पे वॉक कर रही हूँ और मुझे 2000 स्टेप्स वॉक करना है इवनिंग में। अभी मैंने कुछ दिनों से ना सेट किया है कि मैं 2000 स्टेप्स ही करूंगी, तो अभी वॉक करती हूँ। एंड लियो, आप लोग देख सकते हो, लियो भी मेरे साथ वॉक कर रहा है। तो इट्स 8:00 एंड अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो अभी मैं डिनर बनाऊंगी। तो आज डिनर में हम खाएंगे वेज, क्योंकि नॉन वेज बहुत 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 हो गया, तो अभी कुछ दिन के लिए सिर्फ वेज खाएंगे, मैंने ये सोचा है। नॉन वेज में भी हम दूसरा कुछ खाते नहीं है, चिकन खाते हैं, तो चिकन 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 बहुत हो गया, अभी वेज खाएंगे, तो वेज बनाऊंगी मैं। तो मैं डिनर बना के मिलती हूँ। तो मैंने डिनर बना लिया है, तो आज मैंने बनाया है वाइट राइस, दाल, बीन्स और आलू की सब्ज़ी, और ये होममेड पिकल है, मूली का पिकल मैंने घर पे बनाया था, और मैंने एक ऑमलेट भी बनाया। हे फ्रेंड्स, इट्स 10:00 एंड हमने डिनर कर लिया है। तो सबसे पहले अभी मैं स्प्लिंट निकालती हूँ, क्योंकि दिन भर मैंने पहने रखा है और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल भी लग रहा है मुझे, क्योंकि ये नया नया अभी यूज़ करें ना, इसीलिए शायद मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा है। तो निकाल लिया मैंने, इसको रखते हैं। तो अभी मैं हेयर ऑयलिंग करूंगी। मैं हेयर ऑयलिंग कभी कभी ही करती हूँ, और हेड वॉश भी मैं ज्यादा नहीं करती, क्योंकि मैंने सुना है हेड वॉश ना ज्यादा नहीं करना चाहिए, हफ्ते में 2-3 बार, तो मैक्सिमम मैं 2-3 टाइम्स ही करती हूँ। तो हेयर ऑयलिंग मैं अच्छी तरीके से कर लेती हूँ, तो मैं यूज करती हूँ ये ऑनलाइन क्वालिटी स्टोर का राइस ब्रांड हेयर ऑयल। गर्म करना एंड ऑल वो सब मुझे झमेला लगता है, तो मैं ऐसे ही यूज कर लेती हूँ। तो अब मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, तो ऑयल को मैं ना रूट्स पे ज़्यादा लगाती हूँ एंड जो हेड लेंथ है वहाँ पे थोड़ा सा ही लगाती हूँ। तो जब हम ऑयलिंग करते हैं ना, तब हम हेड मसाज करते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई और अगर आपको हेड मसाज कर दे तो फिर तो बात ही अलग है। तो अभी मैं अच्छी तरीके से मैंने मसाज कर लिया है, तो एक बार ये कर रही हूँ एंड अच्छी तरीके से मैं इसको टाई कर लूंगी हेयर को। तो जो ऑयल मैंने यूज की है, यह ऑनलाइन क्वालिटी स्टोर का राइस ब्रांड हेयर ऑयल। अगर आप लोग हेयर फॉल कंट्रोल के लिए कोई ऑयल देख रहे हैं, तो ये राइस ब्रांड हेयर ऑयल ऑनलाइन क्वालिटी स्टोर का ये बहुत अच्छा है। और दूसरा ऑयल जो मैं वो रिकमेंड करूंगी वो है ट्राइगन का अनियन ऑयल, वो ये दोनों ऑयल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं फेस वॉश करके आती हूँ। तो अभी मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, तो नाइट क्रीम लगा लूंगी मैं। तो मैंने नाइट क्रीम लगा लिया है अपनी स्किन पे और अच्छी तरीके से मसाज भी कर लिया है, तो मेरा स्किन केयर भी खत्म हो गया, बहुत ही लेजी सा स्किन केयर है। सो मेरा स्किन केयर भी हो गया, लिप बाम तो मैं सोने के पहले लगाऊंगी, क्योंकि अभी लगाऊंगी तो थोड़ी देर में मैं क्या खाऊंगी ऐसा होता है। तो अभी मुझे कुछ काम करना है गूगल में ना, मुझे एक कुरियर सर्विस ढूंढना है। आप लोग मुझे इस बारे में, इस चीज में हेल्प करो, कौन सा कुरियर सर्विस जो है वो थोड़ा अफोर्डेबल होता है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ पार्सल भेजे थे, मेरी मेडिसिन भेजी थी 3 महीने की मेडिसिन, जिसके वेट था अराउंड लाइक 1/2 kg से थोड़ा ऊपर था, 700-800 ग्राम, बट उन्होंने 900 रुपीज लिए थे और कुरियर के, लेकिन वो एक्सप्रेस था, 3 दिन में पहुंच गया था वेस्ट बंगाल। तो मुझे थोड़ा सा अफोर्डेबल वाला कुरियर सर्विस चाहिए, जो मुझे कुछ भेजना है अपने घर में, तो उसके लिए। तो अगर आप लोगों को पता है कि कौन सा कुरियर सर्विस अच्छा है, अफोर्डेबल है, तो प्लीज बताना। मैंने पोस्ट ऑफिस का भी देखा, तो पोस्ट ऑफिस में भी अफोर्डेबल है, लेकिन पोस्ट ऑफिस थोड़ा सा यहाँ से दूर होगा, क्योंकि पास में पोस्ट ऑफिस देखा नहीं है मैंने, तो मैं गूगल में वही ढूंढ रही हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी कुरियर सर्विस जो अफोर्डेबल हो एंड अच्छा हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। तो अभी मैं वही करूंगी थोड़ी देर। तो अभी मैं इंस्टाग्राम देख रही थी और दो चीज़ें बहुत अच्छी हुई है। एक तो मुझे मैत्री वुमेन से रिप्लाई आया है। अगर आप लोग नहीं जानते मैत्री वुमेन क्या है, तो मैत्री वुमेन एक यूट्यूब चैनल है, उसको चैनल को चलाती है डॉक्टर अंजलि कुमार, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है। एंड अब आप लोग सेजल कुमार को जानते होंगे, सेजल कुमार जो फैशन इन्फ्लुएंसर है, उनके 2 मिलियन कितने सब्सक्राइबर्स है, तो उनकी मॉम है डॉक्टर अंजलि। तो इंस्टाग्राम में मैंने कमेंट किया था उनके लेटेस्ट रील में, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया है और क्या कहते हैं सजेशन भी दिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रोना भाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में, एंड बहुत अच्छे से पेश मतलब बात करती है। तो अनदर चीज़ जो इंस्टाग्राम में बहुत अच्छी हुई है, दैट मैंने कल एक रील डाला था ये कह के दैट
some people are saying that you are talking about TV because you want to gain sympathy and all ऐसे ऐसे करके. तो यहाँ पे अभी एक कमेंट आया है, you don't have any idea how many people are motivated and surviving and not giving up because of you across the world, ऐसे heart emoji करके. तो कमेंट किया है पूजा पाटिल ने. अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच पूजा फॉर लवली कमेंट. एंड बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे आपको अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत खुशी होती है. तो अभी मैं चाहती हूँ सोने की तैयारी करती हूँ. मुझे रात को हमेशा कुछ ना कुछ खाने का मन करता है 12:30-1 बजे को. तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट लिया है, थोड़ा सा किशमिश और बादाम. इट्स अबाउट टू 11 एंड आज का दिन खत्म हो गया, तो आज का ब्लॉग भी यहीं पे ऐड करती हूँ. अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आए दें प्लीज टू हिट द लाइक बटन, शेयर, एंड अगर आप लोगों के कोई भी सजेशन है तो फील फ्री टू शेयर इट इन कमेंट बॉक्स. मुझे अच्छा लगेगा एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.